Hey guys, this is Raj from Raj the Filmmaker YouTube channel. तो गाइस मैं हूँ राज एंड मैं हूँ आप लोगों का दोस्त एंड इस चैनल का होस्ट। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं वेब स्टेबलाइजर के बारे में, जिससे आप आपके फुटेजेस को बहुत ही अच्छा स्मूथ एंड सिनेमैटिक स्लो मोशन लुक दे सकते हो। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो पे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट यूज किया था। इस चीज को यूज करते हुए मैंने मेरे वीडियोज को बहुत ज्यादा सिनेमैटिक बना दिया था। या गाइस ये मेरा एक ट्रैवल वीडियो है, सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो, जिसमें मैंने बहुत सारे इफेक्ट्स यूज किए थे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप लोग लिंक देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोगों को फुटेजेस दिखा देता हूँ, पहले एडिटिंग के पहले कैसा था ये फुटेज एंड एडिटिंग के बाद कैसा ये फुटेज दिखता है। So let's fire up Premiere Pro and create a new project. So इस project को नाम दे देते हैं like episode 6 stabilizing and hitting OK। हम लोग आ गए हैं हमारे Premiere Pro के interface में। Now importing that particular footage, हम लोग पहले audio को delete कर देते हैं। Now ये video अपने सामने आ गया है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही अनस्टेबलाइज्ड ये वीडियो है। नाउ गो टू द इफेक्ट्स फोल्डर एंड सर्च फॉर WRAP रैप। तो इसको सर्च करने के बाद ही नीचे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वेब स्टेबिलाइजर नामक एक इफेक्ट आ गया है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसको। नाउ गोइंग टू द इफेक्ट्स एडिटिंग पोर्शन, हम लोग देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम आप लोग दे दीजिए एंड उसके बाद ये फुटेज स्टेबिलाइज्ड हो जाएगा। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये प्रोसेसिंग हो रहा है। इसके बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्टेबिलाइज्ड हो गया हमारा फुटेज। तो पहले से बहुत ज्यादा स्टेबिलाइजेशन ऐड हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे वर्क स्टेबिलाइजर ऐड किया है। तो इसको यूज करने से आपका फुटेज थोड़ा क्रॉप भी हो सकता है क्योंकि इसको स्पेस चाहिए आपके फुटेज को स्टेबिलाइज करने के लिए। नाउ इस वीडियो को थोड़ा और सिनेमैटिक बनाते हैं। तो इफेक्ट्स फोल्डर में क्रॉप सर्च करते हैं एंड एज यूजुअल हम लोग क्रॉप में जाके टॉप एंड बॉटम पार्ट से 10% करके इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है, ब्लैक सिनेमैटिक बार्स ऐड हो जाते हैं। नाउ हम लोग इसको कलर ग्रेड करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो ये लट पैक हम लोग यूज करने वाले हैं। सो इसको कलर ग्रेड करने के बाद थोड़े बेसिक करेक्शंस करते हैं एंड थोड़े एडजस्टमेंट के बाद ये फुटेज कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो एक नॉर्मल से फुटेज को यूजिंग स्टेबिलाईजेशन एंड साउंड इफेक्ट। नाउ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो हमारा साउंड पैक जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ट्रैवल साउंड पैक। तो इस ट्रैवल साउंड पैक एंड लट पैक को यूज करते हुए हमने एक अनस्टेबल नॉर्मल फुटेज को बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लुक दे दिया। नाउ यूजिंग सम मोर ग्राफिक्स टेम्पलेट्स हम लोग इसको और भी सिनेमैटिक बना सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं एक ग्राफिक्स टेम्पलेट दे रहा हूं एंड एडिटिंग दैट पर्टिकुलर ग्राफिक्स टेम्पलेट मैंने यहाँ पे थोड़ा खुद का कस्टमाइज टेक्स्ट इंपोर्ट कर दिया। नाउ वीडियो कुछ ऐसा दिखता है। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम जल्दी से जल्दी एंड उसके बाद मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं डिफरेंस पहले एंड बाद का। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा वेब स्टेबिलाइजर यूज करते हुए हम लोग किसी भी अनस्टेबल फुटेज को कैसे स्टेबिलाइज कर सकते हैं। एंड गाइस अगर थोड़ा सा क्रॉप आप लोग कर भी दो उससे जो आउटपुट मिलता है ना गाइस बहुत ज्यादा स्टेबिलाइज्ड होता है रॉ वीडियो जो आप रिकॉर्ड करते हो उससे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।